हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल स्टडी विद अरुण। मेरा नाम है अरुण और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। लास्ट क्लास मैंने आपको टेंस सिखा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनेट का और उसका एक एग्जांपल बताया था। आज की वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। और तो ये देखिए, मैंने एक सेंटेंस देता हूँ हिंदी का और उसे हम कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज कर पाए। उसका एक मैं वाक्य लूंगा हिंदी में, सबसे पहले लिखूंगा मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसे आपको अच्छे से यूज कर पाया। तो देखिए, ये मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। अब आपको इसे यूज करना, देखिए अंत में ता हूँ आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही एग्जांपल है। अब इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अफर्मेटिव, ये तो अफर्मेटिव हिंदी में तो अफर्मेटिव ही है, तो हम इसके सारे पार्ट्स बनाएंगे इंग्लिश में। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ तो कैसे होगा, ये सब्जेक्ट है हमारा तो मैं के लिए आ गया आई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने अफर्मेटिव में, आई के बाद आएगा अब वी वन। तो स्नान करना, स्नान करना की क्या होती है बाथ, वो तो स्नान का मतलब तो होता है बाथ, पर स्नान करना का होता है टेक बाथ, यानी टेक हमारे यहाँ पे वी वन है तो हमने लिख दिया टेक। क्या एस या ई एस आएगा, नहीं आएगा, आई है, आई के साथ एस ए एस नहीं आता, आई टेक बाथ। ये देखिए स्नान करना टेक बाथ, आई टेक बाथ प्रतिदिन करता हूं तो एवरी डे, यहाँ आ गया एवरी डे, खत्म। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। आई टेक बाथ एवरी डे, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हमने सब्जेक्ट और ये है वी वन और ये है ऑब्जेक्ट, बाकी जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसी का नेगेटिव पार्ट करते हैं और अच्छे से क्लैरिटी होगी। क्या करेंगे, आई नेगेटिव में क्या आएगा, डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, मैंने आपको बताया था आई है तो आई के साथ डज नहीं आता, डू आता, तो आई डू नॉट टेक बाथ एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टेक बाथ एवरी डे, इसका मतलब ये हो गया। अब अगर इसे इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाए तो कैसे बनेगा, डू पहले आ जाएगा, बाकी सब चीजें बाद में आएंगी, अभी नॉट नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या आएगा, डू आई बड़ा आता है, डू आई टेक, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा डू आई टेक बाथ एवरी डे और इसी के साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा भाई, ठीक है। अब अगर बात करें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की तो वो कैसे होगा, इसमें भी हमारा सबसे पहले डू आएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा डू आई नॉट, अब आ जाएगा नॉट, डू आई नॉट टेक, क्या मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता हूँ, इसकी मीनिंग ये हो गई डू आई नॉट टेक बाथ एवरी डे, फिर से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आता है WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या आएगा कि ये पूछ रहे हैं मैं प्रतिदिन स्नान कहाँ कर, ये लिखते हैं मैं प्रतिदिन स्नान क्यों करता हूँ, वाई, WH फैमिली आ गया, उसके बाद सीधे इंटरोगेटिव वाला क्वेश्चन आ जाएगा, वाई डू आई टेक बाथ एवरी
दे क्वेश्चन। तो समझ रहे हैं आप यहाँ पर क्या यूज हुआ। सबसे पहले मैंने हिंदी का वाक्य लिया, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, अफर्मेटिव में उसको चेंज किया, आई टेक बाथ एवरी डे, उसकी मीनिंग निकाली, यहाँ से लिखी आई टेक बाथ एवरी डे। उसके बाद हमने नेगेटिव उसका बनाया, आई डू नॉट, आई के साथ डू आता है और नेगेटिव है तो नॉट, टेक बाथ एवरी डे, इंटरोगेटिव में डू पहले आ गया। यानी ये जो चीज़ है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इंटरोगेटिव में यहाँ पर आ गई, डू आई टेक बाथ एवरी डे, और इंटरोगेटिव के साथ भी नेगेटिव है तो डू आई नॉट, ये ध्यान रहे डू के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ना कि डू नॉट आई, वो गलत होता है। डू आई नॉट टेक बाथ एवरी डे क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यूएच फैमिली में इसकी मीनिंग क्या है कि क्या मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता हूँ, क्या मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, लेकिन ये पूछ रहा है डब्ल्यूएच फैमिली के हिसाब से कि मैं प्रतिदिन स्नान क्यों करता हूँ, वाई डू आई टेक बाथ एवरी डे, तो वाई डब्ल्यूएच फैमिली, उसके साथ सीधा हम इंटरोगेटिव वाला ही लिख देंगे, वाई डू आई टेक बाथ एवरी डे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर ज़्यादा एग्जाम्पल आज ही मैं बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, अगली वीडियो में इसका के और ज़्यादा एग्जाम्पल इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।